आंसर मानने की आज आपको, तो क्या लगता है कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी नेताओं के खिलाफ? कुछ लोगों ने जरूर कहा था कि आपने अजमेर वाला जो बोला था उसको साथ में जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि उससे कोई लिंक हो। ये कुमार जाति का है तो वैसे भी कोई वो बात नहीं है, वैसे कोई ज़रूरत तो है, क्योंकि अभी क्या है और एक व्यक्ति के लिए इतना कुछ करने की कोई बात है नहीं। वैसे PSO दे रखा है पुलिस, मतलब सरकार ने, सांसद होने के कारण से तो है, ठीक है, चल रहा है। बाकी आप लोग हो ना सबसे अच्छा। गहमा गहमी हुई महाराष्ट्र इलेक्शन जब हुआ, उसके बाद BJP की जीत हुई, लेकिन अपोजिशन में बैठी हुई पार्टियां जो है वो EVM को लेकर के लगातार सदन में भी जो है वो मुद्दा उठा रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस जब EVM को ऑफर कर रही है, तो कांग्रेस के एक नेता है महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि EVM तो और इलेक्शन कमीशन कुत्ता तक बोल दिया गया है। देखिए मैं सोचता हूँ कि ये जब तो फिर झारखंड में क्या हुआ है, कहाँ फिर हम क्यों छोड़ देते हैं, वहाँ क्या बातें करते हैं लोग, जहाँ वो जीतते हैं वहाँ तो अपनी भुजाएं ठोकते हैं फड़काते हैं, और जहाँ वो हारते हैं तो EVM पर ठीकरा फोड़ देते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये जेब मिटाने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, अपनी जेब मिटा रहे हैं, हार रहे हैं, वो सभी मोर्चों पर हारते जा रहे हैं, तो वो ऐसी बात करते हैं। यदि EVM वाला कोई इश्यू होता तो कश्मीर में सरकार कैसे हमारी नहीं बनती, है ना? ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्वतंत्र है अपना चुनाव आयोग, स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, वो अपने हिसाब से करेगा। BJP के नेताओं ने तो ये यहाँ तक कह दिया कि आप इस पर पता एक्सेप्ट कर दो, जो मिल गया राम मंदिर मिल गया, अब इसको इस इश्यू को अब ज़्यादा नहीं उठाना और अब इस पर पटा एक्सेप्ट कर दो, आगे नहीं बढ़ना, ताकि आपस में सद्भाव के साथ रहे। BJP के नेताओं ने तो यहाँ तक कहा है, कहाँ BJP उठा रही है इस इशू में। अब कोर्ट में कोई जाएगा तो कोर्ट तो सुनवाई तो करेगा, उसमें हम तो नहीं कह सकते, कोर्ट को पाबंद कोई कर सकता है क्या? अब उसको BJP से जोड़ दिया ना जिसने मुकदमा किया या दावा किया, दावा कोई भी कर सकता है साहब। अब BJP के क्यों, सबने भेजा है, अटल जी ने भेजा है चादर, सब चादर भेजते ही हैं, इसमें क्या दिक्कत की बात है? और हमारी पूजा पद्धति पर कोई आपत्ति है भी नहीं, पूजा पद्धति पर हमको कोई ऐतराज नहीं है, कोई नमाज पढ़े हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आरती उतारे हमको कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रभक्ति चाहिए। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल ये था कि जिस प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हमेशा उसी प्रदेश कार्यालय कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में अनुकूट का हो रहा है, तो क्या लगता है कि BJP का जो एजेंडा है उसको कांग्रेस धीरे धीरे अपनाती जा रही है? वो समझ गई कांग्रेस में अब अकल आई है, अब वो जनेऊ भी पहनने लगे हैं, वो मंदिर भी जाने लगे हैं, ये तो इसका धन्यवाद नरेंद्र भाई मोदी को देना चाहिए कि उनको भी और संस्कारवान करना, आस्तिक बनाना, इस दिशा में प्रेरणा दे दी। नरेश मीणा के बारे में उसने जरूर कहा, वो मुझे अपने गौरव जी ने भी बताया, अपने जो IG साहब जो यहाँ के हैं उन्होंने भी बताया कि वो नरेश मीणा से कनेक्ट कर रहा था उधर, वो वहाँ के मौर्या SP है, उन्होंने भी मुझे ये बात कही, तो कुछ मिला करके पता नहीं क्या बात है, क्यों मेरा नरेश मीणा वाले इश्यू में भी, मेरा तो आप सबके सामने ही है जो कुछ भी है, मैं कोई ऐसी बात नरेश मीणा ने गलत किया सो किया, वो तो कहेंगे ही, उसमें क्या बात होगी, ये तो हमारे जनप्रतिनिधि कोई मूक दर्शक बन कर के बैठे रहेंगे क्या, ऐसा तो संभव नहीं है। जो कुछ भी समाज में घटित घटनाएं कैसी भी किसी भी प्रकार की है तो रिएक्शन तो देना ही होता है, क्योंकि हमको समाज सुधारना है, हमको समाज सही मार्ग पर लाना है और अच्छा ऊंचाइयां प्राप्त करें समाज, ये तो हम सब चाहेंगे, नशा प्रवृत्ति नहीं बढ़े ये भी हम सब चाहेंगे, ये तो ठीक बात है, मैं तो इसमें कोई गलत नहीं मानता। तो मतलब नरेश मीणा डोटासरा जी से बात करके गए तो ये उनकी प्लानिंग है, वो समझ फंडिंग का आरोप लगा रहे, मतलब बात उनसे डोटासरा जी से की, वो मान गए फंडिंग हम देंगे, वाह ये जोरदार बात है, वो मतलब कार्यकर्ता कांग्रेस का बात उनसे करके जाए, फंडिंग हम करेंगे, ये कोई इतने बेवकूफ हम नहीं है। दरगाह में हिंदू मंदिर होने का, शिवजी के मंदिर होने का जो दावा है वो स्वीकार कर लिया है कांग्रेस,
बीजेपी क्या स्टैंड रखती है इसमें? वैसे तो जो न्यायालय में विचाराधीन है उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं रहेगा। न्यायालय निर्णय करेगा, न्यायालय सभी समीक्षाएं करता ही करता है। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये तो इतिहास साक्ष्य है कि मुगल हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान के कई मंदिरों को लूटा, यहाँ के धन्ना सेठों को लूटा, मंदिरों को ध्वस्त किया, मूर्तियों को तोड़ा, ये तो सर्वविदित है, इतिहास इसका गवाह है। और कई मंदिरों पर कब्जे भी किए, ये भी इतिहास साक्षी है इसका। और ये भी सही है कि न्यायालय ने भी समीक्षा करने के बाद में कुछ मंदिर वापस सौंपे भी है। तो ये सब मेरा इश्यू नहीं है, मेरा इश्यू तो यही है कि अभी जो अजमेर वाले इश्यू पर जो चूंकि न्यायालय में विचाराधीन है, तो मुझे उस पर कहूँगा कि हमारी सरकार बने 1 साल 15 तारीख को हो जाएगा, हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यहाँ लाना चाहेंगे और लगभग 2-2.5 लाख हो सकता है इससे अधिक राजस्थान की जनता उनका अभिनंदन करेगी। 1 लाख लखपति दीदी भी उनको बुलाने की योजना भी है। 9 तारीख को भी प्रधानमंत्री जी आएंगे और हमारी तो इच्छा है कि 15 तारीख को भी आए और राजस्थान में जो विकास हुआ है वो जनता के सामने हम भी रखेंगे, हम भी उत्साह मनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, हम भी और कार्यक्रम के प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लेंगे। जिलों के जो जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, वो अशांति फैलाना चाहते हैं। अब एक बात आप सोचो, एक मिनट, सबसे बड़ी बात ये है कि जज छोटा बड़ा ये कहना चाहिए क्या किसी को? जज जज होता है, न्यायाधीश न्यायाधीश होता है। अब इसमें छोटे और बड़े की बात कर देना, मैं सोचता हूँ कि उनकी समझ की कमी है। वो ऐसी बात कह देना कि छोटे, मतलब ये क्या इश्यू क्या है, मतलब क्या बात होगी? जज छोटा बड़ा भी होता है क्या? इसमें जज है, समीक्षा करता है। और वैसे आप सब जानकार लोग हैं, सही समीक्षा तो नीचे के स्तर पर होती है, ऊपर वाले तो उसकी अंदर की और बाल की खाल निकालना या ऊपर उसमें से कमी ढूंढना वो काम करते हैं। साक्ष्य कहाँ पेश होता है? अपर कोर्ट्स में होता है क्या? एविडेंस भी एविडेंसेज नीचे की कोर्ट में होती है, साक्ष्य भाई एविडेंस साक्ष्य जिरह बहस नीचे की कोर्ट में होती है, ऊपर तो उस जो नीचे के कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसकी समीक्षा करना, उसमें से कोई अपील करता है तो उसकी व्याख्या करना, वो काम करते हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, न्यायाधीश न्यायाधीश होता है, न्यायालय न्यायालय। और मैं सोचता हूँ कि ये जिस किसी भी नेता ने कहा है उनको भी थोड़ा इसके विषय में गंभीरता से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए।